हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत में हमने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल की श्रृंखला शुरू कर दी थी और हमने पिछले अपने लेक्चर में पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं मीज़ोलिथिक एज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुख्य तथ्य होंगे। हम भीमबेटका की भी बात करेंगे इसमें और बहुत सारे स्थल हैं जैसे बगोर है, इन सब की हम बात करेंगे, जिसमें से प्रश्न निकल के आ जाते हैं हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में। और इसमें जो आपके औजार इस्तेमाल हुए हैं, जो उपकरण हैं, उनको माइक्रोलिथ बोला जाता है। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के औजार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक और कल्चर निकल के आता है जिसका नाम है कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट टूल्स जिसको बोलते हैं, ये अगर आप हमारी पिक्चर में दाहिनी तरफ देख रहे होंगे, ये वाले औजार जैसे आपको दिख रहा होगा तीर, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तीर जो है ये बंधा हुआ है किसी से। ये जो तीर है इसका जो हेड है ये है आपका स्टोन से बना, पत्थर से बना, और इसकी जो स्टिक है ये या तो हड्डी या फिर लकड़ी या किसी और वस्तु का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट टूल्स, क्योंकि इसको दो तरह के उपकरणों को मिला के एक औजार को बनाया जाता है। और यहाँ पे हमको बहुत सूक्ष्म प्रकार के औजार देखने को मिलेंगे जिसका हम अध्ययन अभी हम करेंगे अपने आने वाले इस लेक्चर में। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें जिससे आपको पर्सनली उसका नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई लेक्चर अपलोड करूँगा। तो हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। इस मध्य पाषाण काल को आद्य नव पाषाण काल भी कहा गया है, क्योंकि नव पाषाण काल से थोड़ा सा पहले ही है ये, और इसका ज़्यादा बड़ा समय अवधि भी नहीं है इसकी। ये जब आपको याद होगा, हमने जब पैलियोलिथिक एज की बात की थी तो हमने बोला था कि 10,000 BC पे आके पैलियोलिथिक एज ख़त्म हो जाती है, और ये 10,000 BC से लेके कुछ 4,000 BC के बीच में, यानी कि 10,000 BC से 4,000 BC हो गया कुल 6,000 वर्ष का समय। तो इस अवधि में है ये, और उसके बाद तुरंत ही हमारा नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 4,000 BC से ही नवपाषाण शुरू हो रहा है। कई कई जगह पर नवपाषाण काल पहले भी शुरू होता है, 6,000 BC पे भी हमको देखने को मिलता है। तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन फेज है, इसलिए इसको आद्य नवपाषाण काल भी कहा गया है। और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद करना है जो परीक्षा की दृष्टि से है, वो है C.L. Carlyle। C.L. Carlyle का नाम आप ज़रूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। लघु पाषाण उपकरण वही उपकरण है जिसको मैंने आपको दिखाया था पिछली पिक्चर में, जिनकी जो आकार है वो आधे इंच से लेके 2 इंच के बीच में होता है, और इन्हें जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है, यानी कि माइक्रोलिथ इनको बोला जाता है, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और ये जो है सबसे पहले खोजे हैं किसने, C.L. Carlyle ने। तो C.L. Carlyle नाम याद रखिए आप, अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे C.L. Carlyle। ये नाम आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है सवाल कई बार, नेट के एग्ज़ाम में भी आया है एक बार, और भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ जो उपकरण हैं, हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था कि किस तरह के पत्थरों से बनते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ल्स डनी नाम का पत्थर और शामिल हो गया है, जुड़ गया है, और अगेट नाम का एक पत्थर जुड़ गया है। बाकी क्वार्टजाइट, जैस्पर, चर्ट जैसे पहले हमने पढ़े थे अपने पैलियोलिथिक एज में, उच्च पुरापाषाण काल में हमने पढ़े थे, वहीं से हैं चर्ट और क्वार्टजाइट, लेकिन इसमें जुड़ गया है चार्ल्स डनी और अगेट। औजार जो है ये फ्लूटिंग टेक्निक से बनाए गए हैं। हमने अगर पढ़ा, आपने ध्यान होगा पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो पैलियोलिथिक एज में हमने बात की थी, अपर पैलियोलिथिक एज में जो औजार बनते थे वो फ्लिंट टेक्निक से थे, उससे पहले जो थे वो फ्लेक टेक्निक से थे। तो अगर आपको ये टेक्निक समझनी है तो आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है किस तरह से फ्लेकिंग की जाती है, किस तरह से कोर से काट के फ्लेकिंग होती है, फिर फ्लिंटिंग होती है। इसी तरह से यहाँ पे जो औजार मिले हैं ये फ्लूटिंग तकनीक से बने हैं। और ये जो औजार हैं ये दो तरह के भागों में इनको बांटा गया है, एक ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय औजार, और एक गैर ज्यामितीय आकार यानी कि नॉन ज्योमेट्रिकल। मतलब यहाँ पे जो हमको औजार मिले हैं वो कुछ इस तरह से मिले हैं, ट्रायंगुलर मिल गया या आपको अर्धचंद्राकार मिल गया, इस तरह से जो औजार मिले हैं इनको ज्योमेट्रिकल
औजारों की श्रेणी में रखा गया है। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं केवल उसी की बात करूंगा आज। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्थल हैं, लेकिन हम केवल आज उसी की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ से प्रश्न आते हैं, फालतू में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा होगा नहीं, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप की किस तरह से आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। उत्तर प्रदेश सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, स्थल का नाम दे देंगे और एक तरफ दे देंगे प्रदेश कि किस प्रदेश में कौन सा स्थल है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, एनटीए नेट का फेवरेट है। उत्तर प्रदेश में है सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, चोपानी मांडो, लेखाइया, मोराना पहाड़। इसमें जो जो सराय नहर राय, महदहा और दमदमा है, ये है आपका एक ज़िला है प्रतापगढ़। यदि आपको पता होगा प्रतापगढ़ नाम का एक ज़िला है, ये वहाँ पे है। और बाकी के जो आपके क्षेत्र हैं मोराना पहाड़, चोपानी मांडो, ये सब आपके गंगा घाटी यानी कि बेलन घाटी में, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद के पास, वहाँ के क्षेत्र हैं। गुजरात में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लंगनाज है और हम इसी की बात करेंगे, बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बलसाड़ा। लेकिन आप नाम याद रखिए, लोटेश्वर एक बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लोटेश्वर केवल एक नाम दिया था और मैच द फॉलोइंग में आया था। तो इसके अलावा यहाँ से बलसाड़ा है, हरिपुर है, रतनपुर है और लोटेश्वर है। पश्चिम बंगाल में है वीरभानपुर, एकमात्र स्थल जो हम जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। राजस्थान में बागौर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो बागौर से बनते हैं, इसके अलावा अगर प्रश्न बनते हैं तो भीमबेटका से बनते हैं। आंध्र प्रदेश में है रेनीगुंटा, नागार्जुनकोंडा और गिडलूर। मध्य क्षेत्र यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ पे आदमगढ़ और भीमबेटका, ये दोनों महत्वपूर्ण दो वजह से हैं। एक तो हमारा ये एक मध्य पाषाण काल तो है ही है, स्थल तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ से हमको केव पेंटिंग्स मिलती हैं दोनों जगह से, और ये दोनों की दोनों जगह होशंगाबाद ज़िले में हैं। जो हमारा शैल चित्र जिसको हम बोलते हैं केव पेंटिंग्स, वो यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती हैं। मेसोलिथिक एज की सबसे ज़्यादा हैं। आपने अगर लेक्चर पिछला वाला देखा होगा तो उसमें मैंने भीमबेटका की बात की थी, जब उच्च पुरापाषाण काल की बात की थी कि किस तरह से वहाँ पे, अब क्योंकि होमोसेपियंस मानव का उदय हो गया है, वो प्रगतिशील मानव है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, तो उसने चित्रकला शुरू करी। और भीमबेटका में हमको सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं उच्च पुरापाषाण काल के मिलने शुरू हो जाते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि भीमबेटका में उच्च पुरापाषाण काल से लेके ऐतिहासिक युग तक की हमको बहुत ज़्यादा कल्चर और पेंटिंग सब देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली हैं, सबसे ज़्यादा अगर मिली हैं किसी युग की, तो वो है मध्य पाषाण काल, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और आदमगढ़ में भी हमको केव पेंटिंग्स मिलती हैं, इसको शैल चित्र बोलते हैं। तो इन दोनों जो क्षेत्र हैं मध्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम एक एक करके सभी जितने भी क्षेत्र हैं, जितने स्थल हैं, उनके बारे में क्या क्या उनकी महत्वता है वो देख लेते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या प्रश्न बनता है, मैंने उसको थोड़ा सा मार्किंग में रेड भी कर रखा है, जिससे आप उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। सराय नहर राय जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, मैंने पहले ही बता दिया आपको, उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ पर खुदाई में 14 शवाधान तथा सर्वप्रथम गर्त चूल्हे, आठ गर्त चूल्हे मिले हैं। सर्वप्रथम गर्त चूल्हों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। शवों का सर जो है वो पश्चिम दिशा में है और पैर जो है वो पूर्व दिशा में है। तो पश्चिम और पूर्व दिशा में जो शवों को रखा गया है और उनके साथ क्या किया गया है, लघु उपकरण भी रखे गए। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे अगर इतिहासकार इस चीज़ को अध्ययन करें तो उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पे मृतक संस्कार शुरू हो चुके थे, यानी कि अब इनकी कुछ ना कुछ एक ऐसी रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस थॉट्स शुरू हो चुके थे, क्योंकि पूर्व पश्चिम जो है वो सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त होने से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अब इन्होंने क्या किया है, लघु उपकरणों को भी शवों के साथ रखा है। तो लघु उपकरण शवों के साथ शायद इसलिए रखे हैं क्योंकि इनकी आफ्टर डेथ में कुछ बिलीव रही होंगी, यानी कि मरने के बाद जीवन में, या इसको लेके कुछ इनके ऐसे रिलीजियस थॉट्स रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने रखा। और दूसरी चीज़ हमको ये भी समझ में आती है कि अब यहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें हायरार्की डेवलप हो चुकी है, यानी कि स्ट्रक्चरल सोसाइटी बन चुकी है, स्ट्रक्चरल सोसाइटी बन चुकी है, क्योंकि हायरार्की देखने को मिलती है हमको। हायरार्की इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो ये जो आपके शवाधान हैं जिसमें लघु उपकरण रखे गए हैं, ये सभी शवाधानों में कुछ अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। कहीं में हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हो सकता है वो किसी जो ट्राइब है उसका किंग रहा हो, उसका नेता रहा हो, प्रतिनिधि रहा हो, या हो सकता है जो दूसरे मिले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, हो सकता है वो किसी
मध्य वर्गीय किसी मध्य क्षेत्र क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, मध्य सोसाइटी में उसकी कुछ ऐसी मिडिल टाइप की उसकी इम्पोर्टेंस रही होगी कह सकते हैं, जैसे सेना नायक है या इस तरह का कुछ उसका औहदा रहा होगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि मृतक संस्कार, पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई, सोसाइटी स्ट्रक्चरल होने लगी है। और यहाँ पे एक हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है, एक कंकाल है उसमें की पसलियों में तीर धंसा हुआ है। तो यहाँ से हमको बैटल के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ बैटल हमको कहाँ से मिला, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, एविडेंस ऑफ बैटल फ्रॉम विच मिजोलिथिक एज, या फ्रॉम विच मिजोलिथिक एज प्लेस, या फिर आपसे इस तरह से पूछ लेंगे कि पसलियों में तीर धंसा हुआ हमको मध्य पाषाण काल के किस स्थल से मिला है। तो सराय नहर राय आपका हो जाएगा, एविडेंस ऑफ बैटल भी हो जाएगा आप कह सकते हैं, क्योंकि तीर जो है वो धंसा हुआ मिला है। यहाँ पे हमको एक और जो चीज़ मिलती है वो दंत रोग, दंत रोग के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे हमको, दंत रोग के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, सराय नहर राय, तो ये भी याद रखना है। तो इसमें पॉइंट वाइज अगर हम याद करें तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम गर्त चूल्हे, 14 शवदान, मृतक संस्कार, पसलियों में तीर धंसा हुआ, एविडेंस ऑफ बैटल जिसको हम बोल सकते हैं, दंत रोग, डेंटल कुछ ऐसी डिजीज, इसके हमको यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। और एक चीज़ मिलती है, दोनों ओर धार वाली छुरी मिलती है यहाँ पे, एक ऐसी छुरी जिसमें दोनों तरफ धार है। महदहा की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पे बूचड़ खाना मिला है, बूचड़ खाने के साक्ष्य मिले, बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलने का मतलब है, फिर अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उससे ये रिलेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि बूचड़ खाना तभी होगा जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मांस को काटा जाता होगा। अब मांस को अधिक मात्रा में एक ही जगह पे क्यों काटा जाएगा, मांस को अधिक मात्रा में एक ही जगह पे इसीलिए काटा जाएगा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसका क्रय विक्रय करना होगा। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बिजनेस शुरू किया हो, कुछ ऐसा अभी हम पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन बूचड़ खाने के होने का मतलब तो यही दिखता है कि अब जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशन की तरफ है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मिजोलिथिक पीरियड है, जो हमारा मध्य पाषाण काल है, वो एक संक्रमण की ओर बढ़ रहा है नवपाषाण की तरफ, इसीलिए इसको आद्य नवपाषाण काल भी कहा गया था। अब महदहा में जो दूसरा पॉइंट है वो है एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष के दफनाए जाने के प्रमाण, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से एक प्रश्न आता है युगल समाधि इसको बोलते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा बुचड़ खाना, दूसरा बनेगा युगल समाधि, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अनाज पीसने के लिए सिलबट्टा मिल गया यहाँ पे, और एक भारी चक्की मिल गई। अभी तक हमने देखा कि कहीं पे भी अनाज की बात नहीं हो रही, उच्च पुरा पाषाण काल हमने पूरा पढ़ लिया, पुरा पाषाण काल निम्न से लेके उच्च तक, और हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि कहीं पे भी ऐसी अनाज पीसने की बात हो रही है, अनाज की कुछ बात भी हो रही हो, हम अभी तक हंटर गैदरर सोसाइटी की तरफ थे। अब ये जो चक्की मिली है इससे ये जाहिर होता है, सिलबट्टा मिला इससे एकदम साफ हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो मिजोलिथिक पीरियड का जो एंड टाइम था, जो उसका अंत जब आ रहा होगा उस समय इन्होंने, हो सकता है जो घास है उसके दाने को पीसने के लिए चक्की और इसका निर्माण कर लिया हो सिलबट्टे का। तो अब ये जो सोसाइटी है पूरी की पूरी हमारी हंटिंग गैदरिंग से किस तरफ जा रही है, फूड प्रोडक्शन की तरफ जा रही है, हड्डियों से निर्मित आभूषण मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, महादहा। अब यहाँ से ही आपको पता चलता है हड्डियों से निर्मित आभूषण, और ये आभूषण हर कोई नहीं पहने हैं, ये आभूषण जो है कुछ ही लोगों ने पहना है। इसका मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे किंगशिप यानी कि ट्राइब्समैन थ्योरी, सारी थ्योरी यहाँ पे लागू हो जाती हैं। एक कंकाल ऐसा मिला है जिसमें कुंडल और माला जो पहने हुए है, संभवतः इसको बोला गया है कि शायद ये इनका नेता रहा हो। और ये जो दोनों ही हमने स्थल डिस्कस किए, सराय नहर राय और मैदहा, इन दोनों ही से सर्वप्रथम गर्त चूल्हे और मृतक संस्कार इन दोनों से मिले हैं, गर्त चूल्हे और मृतक संस्कार। हो सकता है आपसे कभी कोड में भी क्वेश्चन पूछ लें, तो ये दोनों ही स्थल हैं, सराय नहर राय और मैदहा। अब आते हैं दमदमा पे, दमदमा जो है मैदहा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमको 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिनमें से एक शवाधान में 3 कंकाल यानी कि त्रिमानव समाधि, मतलब एक ही कॉफिन है, एक बड़ा सा कॉफिन लिया और इसी के अंदर 3 मानव को दफना दिया गया, तो इसको बोला गया है त्रिमानव समाधि। त्रिमानव समाधि हमको मिली है दमदमा से, तो ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है, त्रिमानव समाधि कहाँ से मिली है, किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मिली है। यहाँ पे हमको अस्थि और सींग निर्मित आभूषण मिले हैं, अंगीठी आग से पके फर्श मिले हैं,
यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो है हाथी दांत की लटकन मिली है हमको एक कब्र से। हाथी दांत की लटकन मिली है कब्र से, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो जो है प्रयागराज के निकट है, बेलन घाटी, बेलन घाटी में है। इस स्थल की खोज जो है ये बीबी लाल जी ने की थी। बीबी लाल एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया जो सोसाइटी है, किस तरह समाज जो है वो संक्रमण की ओर बढ़ रहा है, झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले। अब ये हमको यहाँ से बन जाता है एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य या मानव बस्तियों के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो से मिले हैं। अब यहाँ पे 13 झोपड़ियाँ मिली हैं, कुछ इस तरह से मिली हैं जो कि अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह से बनी हुई झोपड़ियाँ हैं, एक के साथ एकदम चिपकी एक ऐसे करके, हनी कॉम जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अब जो है, जैसे मैंने उच्च पाषाण काल में जब अंत आखिरी वाली स्लाइड में आपको बताया था कि उनका जीवन जो है वो अभी भी परमानेंट की तरफ नहीं जा रहा, सिडेंटरी जीवन नहीं है, वो अभी भी नोमैडिज्म की तरफ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, बंजारों की तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से झोपड़ियों के मिलने के साक्ष्य का मतलब है कि अब जो उनका जीवन है वो स्थायी हो रहा है किसी तरह से, अब वो परमानेंसी की तरफ जा रहे हैं। प्रारंभिक कृषि में संक्रमण की शुरुआत इसी घाटी से हुई। इसके एक जगह है कोलदीवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए आप। कोलदीवा से प्राचीनतम जंगली चावल के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो प्राचीनतम जंगली चावल यानी कि एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस, चौपानी मांडो, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस हमको मिलता है चौपानी मांडो के कोलदीवा से। यहाँ से प्राप्त मृदभांड भारत के प्राचीनतम मृदभांड है। मृदभांड यानी कि बर्तन। अब यहाँ पे बर्तन भी आ गए, बर्तन क्यों होंगे? क्योंकि उनको जो अनाज है उसको एकत्र करके रखना है, उसके लिए उनको बर्तन चाहिए, और लाइफ उनकी ऐसी हो रही है, अब उनको बर्तनों की आवश्यकता है। और यहाँ पे जो हमको मृदभांड मिले हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत के प्राचीनतम होंगे, क्योंकि झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको यहीं से मिलते हैं। लंगनाज गुजरात में जगह है, पहले आपको बताया था मैंने पहली स्लाइड में, गुजरात। प्रश्न आता है मैच द फॉलोइंग में, सबसे अधिक व्यापक उत्खनन इसी स्थल का हुआ है, सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से इसको उत्खनन किया गया है, इसका एक्सटेंसिवली जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड साइट है ये। जंगली पशुओं की हड्डियाँ मिली यहाँ पे, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 14 मानव कंकाल भी मिले हैं, लेकिन तांबे का एक चाकू प्राप्त हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी स्टोन एज की, और यहाँ पे तांबे का चाकू मिलना मतलब ये दर्शाता है कि ये जो स्थल है आपका, ये पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक इसमें हमको क्रम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे गेंडे की हड्डी के उपकरण मिले हैं, सर्वोत्कृष्ट लघु पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए हमको वो यहीं से मिले हैं। बागौर राजस्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और इसका उत्खनन किया है बी एन मिश्रा ने इसका उत्खनन किया है। और यहाँ से इस काल के साथ साथ ताम्र पाषाण काल और लौह काल के भी उपकरण मिलते हैं। अच्छा, ये लंगनाथ का जो उत्खनन है ये किसने किया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पिछले अपने लेक्चर में एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिया था, यदि आपने सुना होगा तो उनमें से ही कोई एक है, ये आप मुझे बताइए लंगनाज का किसने किया है। इसके अलावा बीबी लाल आप याद रखिए, चौपानी मांडो महत्वपूर्ण है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, और बागौर का कर दिया बी एन मिश्रा। तो ये तीन स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लंगनाज, बागौर और चौपानी मांडो, इनके उत्खनन किसने किए हैं ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे जो बागौर है ये सबसे बड़ा सबसे विस्तृत मध्य पाषाण स्थल है, और यहाँ पे हमको स्टोन एज के साथ साथ ताम्र पाषाण और लौह युग के भी हमको उपकरण मिलते हैं। और यहाँ से प्राप्त मृदभांड जो हैं वो इसी काल के हैं, मतलब अब यहाँ जो बर्तन मिले हैं वो मिजोलिथिक एज के हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल के ही हमको बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। इसे महासतियों का टीला कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है एग्ज़ाम की दृष्टि से। महासतियों का टीला किसको कहते हैं? महासतियों का टीला जो है ये बागौर को कहा गया है। यहाँ पे 5 ताम्र उपकरण जो मिले हैं उसमें से एक है भाला।
यहाँ यहाँ पे मैंने बताया आपको ताम्र उपकरण जो मिले हैं, जैसे तो उसमें से एक भाला मिला है तांबे का, तीन बाण मिले हैं और एक छड़ मिली है जो कि तांबे की बनी है। अब ये जो एक छड़ मिली है, ये एक प्रश्न आ भी चुका है एक बार नेट में, किसी वर्ष में पूछा गया था, मुझे वर्ष तो नहीं याद है, लेकिन ये नेट में आ चुका है कि तांबे का छड़ किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से मिला है। अब क्योंकि मध्य पाषाणकालीन बोला और तांबे का बोला, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो तांबे का छड़ मिला है वो मध्य पाषाणकालीन बागौर स्थल से ही मिला है। अब हम आते हैं आदमगढ़, जो कि है एमपी में। आदमगढ़ 1964 में आरवी जोशी ने यहाँ 25,000 लघु पशु पाषाण उपकरण खोजे थे। तो 25,000 कहाँ पे मिले हैं, प्रश्न आता है, 25,000 लघु पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ, जो माइक्रोलिथ मिले हैं 25,000, ये मिले हैं हमको कहाँ से, आदमगढ़ से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, जहाँ पे भी आपको कुछ भी प्राचीनतम मिल रहा है वो तो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। प्राचीनतम साक्ष्य क्यों, कि यहाँ पे हमको कुत्ते के पालने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि डॉग डोमेस्टिकेशन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ, डॉग डोमेस्टिकेशन सबसे पहले आदमगढ़ में हुआ। राइनों के शिकार के चित्र मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये एक पूरी की पूरी केव है, आदमगढ़ कोई एक ऐसा स्थल नहीं है छोटा सा, ये पूरी की पूरी केव है, पूरी चट्टानों से बनी हुई है और यहाँ पे अंदर चित्रकारी हुई है जहाँ पे राइनों के शिकार का चित्रण हमको मिलता है। और ये एमपी के होशंगाबाद में है, इसको आप होशंगाबाद ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार हो सकता है आपसे जिला पूछ लें प्रदेश की जगह। भीमबेटका, ये भी एमपी के होशंगाबाद में है और इसके साथ जुड़े हुए हैं वीएस वाकांकर। वीएस वाकांकर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में नाम लिए थे और भी अरुण सोनकिया या HD सांकलिया, इन सब के नाम लिए थे, बी बी लाल का नाम लिए, कौन कौन किस स्थल से जुड़ा हुआ है ये आप ज़रूर नोट कर लेना, ये मैच द फॉलोइंग में पक्का आता है क्वेश्चन। और इसके जो शैल चित्र हैं ये विभिन्न कालों से संबंधित हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन सर्वाधिक जो है ये मध्य पाषाण काल से हैं। अब इस काल के चित्रों में पालतू पशु, राजकीय जुलूस, पौराणिक देवी देवता मिलते हैं। अब ये दर्शाता है कि अब यहाँ पे लाइफ जो है किस तरह से रिलीजन की तरफ बढ़ रही है। राजकीय जुलूस दर्शाता है कि अब सोसाइटी में हायरकी शुरू हो गई, कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से भिन्न तरीके से रह रहा है, ट्राइब्स बनी हुई हैं, जातियाँ जनजातियाँ बनी हैं और वहाँ पे किंगशिप हो सकता है शुरू हो गई होगी। गणपति का प्राचीनतम चित्र यहीं से मिलता है हमको, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, गणपति का प्राचीनतम चित्र हमको कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से। अब ये जो भीमबेटका है वहाँ पे 16 रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से सफ़ेद और लाल रंग सर्वाधिक उपयोग किया गया है इनका, और यहाँ से हमको मानव अंत्येष्टि के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो मानव अंत्येष्टि सफ़ेद और लाल रंग सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया। मध्य पाषाणकालीन मानव संस्कृति का अगर हम पूरी तरह से अध्ययन करें तो इसमें हमको पता चलता है कि शिकार संग्राहक यानी कि जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी, जो जीवन शैली थी इनकी हंटर गैदरर की, उससे अब ये खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन की तरफ इनका समाज बढ़ रहा है और इसमें संक्रमण को इसको ये इंगित करता है। हालांकि कुछ स्थानों से प्राप्त हड्डियों के प्रमाण पशुपालन के प्रारंभिक दौर को भी इंगित करते हैं, जैसे आदमगढ़ का हमने देखा था, किंतु पशुपालन तथा कृषि से जुड़ी मानव सभ्यता नवपाषाण काल से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये नोट डाउन कर लेना आप, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है कन्फ्यूजन आपको हो गया अब तक, इतना मैंने बता दिया आपको कि पशुपालन हुआ और कृषि के साक्ष्य मिले चोपानी मांडो से, लेकिन ये जो पूरी की पूरी धारणा है कृषि से जुड़ी और पशुपालन से जुड़ी, मानव सभ्यता का जो पूरा विकास है, ये हमको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। गंगा घाटी के उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों हिस्सों से एक ही प्रकार के हमको पत्थरों के औजार मिले, तो यानी कि जैसे हमने आपको बताया था अभी सराय नहर राय महादहा और दमदमा जो है ये गंगा घाटी के उत्तरी भाग में है, यानी प्रतापगढ़ जिले में है, और हमारा जो इलाहाबाद है वो गंगा घाटी के इस तरफ है, और यहाँ दोनों की तरफ एक ही तरह के पत्थर के औजार मिलना मतलब ये दर्शाता है कि इन औजारों का यातायात होता होगा, यानी कि इन लोगों को काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता होगा टू गेट ऑल दिस स्टोन, मतलब इस तरह के जो पत्थर हैं उनको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी दूर तक यात्राएं करनी पड़ती होंगी, और इनका यातायात हो रहा है मतलब इनने
बिजनेस भी हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, मतलब इसके आपस में कहीं ना कहीं एक्सचेंज होते होंगे। तो इस तरह की जो सोसाइटी डेवलप हो गई, अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसके ऊपर ही आधार करके नवपाषाण काल पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिसमें कृषि देखने को मिलेगी हमको, कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलेंगे प्राचीनतम, जैसे अभी अभी चोपानी मांडो देख लिया, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए हमको। हम आगे चल के बात करेंगे मेहरगढ़ की, महगड़ा की, जहाँ पे हमको बहुत सारे और भी जितनी फसलें हैं उनके प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलेंगे, और वो सब इसके हम अलावा बात करेंगे। कश्मीर में जितने भी नवपाषाण काल स्थल मिले हैं उनकी बात करेंगे अगले अपने लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।